नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। और आई होप आप लोग अच्छे होंगे, तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। यहाँ पर मैं आपको मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के प्रश्न आपको बताने वाला हूँ, जो ग्रुप 2 सब ग्रुप 1 है, और यह ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी 2022 के लिए। तो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, यहाँ से आप समझ सकते हो कि क्वेश्चनों का लेवल जो है वो क्या रहेगा, और इससे लेवल थोड़ा आपको आगे ही पढ़ना रहेगा। ऐसा मत समझिए कि ये आसान से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, बस यहाँ से आपको इससे अच्छा लेवल पढ़ना है। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में जिला पंचायतों की संख्या कितनी है? जिला पंचायतों की, देखिए जिला की अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में, सबसे पहली बात तो आपको पता हो तो 52 जिला हैं। जो 52वां जिला है वो कौन सा है? निवाड़ी है, ठीक है। लेकिन अगर अभी पंचायतों की बात की जाए तो 51 ही है। आप उसके ऑफिशियल साइट पर जाओगे तो 51 ही आपको जिला पंचायत देखने को मिलेंगी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन। बाकी आपको पता हो तो ये 1 अक्टूबर 2018 को जो है वो टीकमगढ़ से अलग होके जो है वो बना था। टीकमगढ़ से अलग होके जो है वो मध्य प्रदेश का जो है वो ये जिला बना है बाप टीकमगढ़। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर मध्य प्रदेश का पन्ना शहर किस कारण जो है वो प्रसिद्ध है? पुरानी सुई शिल्प, हीरा की खदानों के लिए, खूबसूरती महलों के लिए, कागज की मिल के लिए। तो आसान सा प्रश्न है, आपको जो पन्ना है वो आपको हीरों के लिए जाना जाता है, हीरा पन्ना, ठीक है। ऐसे करके आपने सुना होगा, तो हीरा जो है वो ये जाना जाता है मध्य प्रदेश में, जो है वो हीरा पन्ना जिले में पाए जाते हैं। तक मध्य प्रदेश में नहीं, भारत में जो है वो हीरे अगर पाए जाते हैं तो मध्य प्रदेश में पन्ना। एक और नाम जुड़ गया है, अभी करंट अफेयर्स की याद रखना है, टीकमगढ़। टीकमगढ़ ये भी जो है वो हीरा की श्रेणी में जो है वो इसको शामिल किया गया है, हीरा जिला के उत्पादक में देखने को मिलता है। तो अब 2 जिले आपको देखने को मिलेंगे, पन्ना और टीकमगढ़। ये करंट अफेयर्स का है, अभी 2 दिन ही पहले जो है वो अपडेट देखने को मिला है इसका, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। हीरा जो है ये किसका? कार्बन का अपर रूप होता है, ठीक है। कार्बन के अपर रूप आपको 3 देखने को मिलते हैं, एक कोयला हो गया, एक हीरा हो गया, और एक ग्रेफाइट हो गया, ठीक है। मुलायम जो रहता है वो ग्रेफाइट होता है, हीरा कठोर रहता है, कोयला जो है वो अलग तरह के होते हैं, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट की। तो ये जो है वो 4 तरह के जो है देखने को मिलते हैं। सबसे अच्छा जो कोयला होता है वो एंथ्रेसाइट रहता है, बिटुमिनस जो है वो सबसे ज्यादा भारत में पाया जाता है, ओके। बाकी हीरा जो है वो चमकता किसी वजह से? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से चमकता है हीरा। तो ये कुछ साइंस के फैक्ट थे जो आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो, और यहाँ पर आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको करना क्या है, परीक्षा आप डाउनलोड करना है एंड आपको टेस्ट में जाना है। टेस्ट में जाने के बाद आपको यहाँ पर देखिए ऊपर ही दिया हुआ है RAHE, तो इस पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर आपको जो है पहला टेस्ट फ्री मिलेगा। आपको क्या करना है, अनलॉक कोर्स पर क्लिक करना है। तो वैसे आप देखिए 349 का कोर्स है ये, लेकिन आपको GOV 50 कोड डालोगे तो आपको ये मात्र 175 रुपये में ये प्रोवाइड हो जाएगा। और यहाँ से आप अपने लेवल को जान सकते हो, आपकी तैयारी कैसी है। जो छोटी छोटी सी मिस्टेक होती है वो आपको टेस्ट के माध्यम से ही जो है वो दूर होती है। हर एक जो जितने की जितने भी टॉपर होते हैं या जितने भी जो पढ़ाई करते हैं सिंसियरली, वो पढ़ने के बाद टेस्ट सीरीज जरूर लगाते हैं। टेस्ट सीरीज लगाने से फायदा क्या रहता है कि आपने जो पढ़ा हुआ है वो आपको वहाँ पर याद आ रहा है या नहीं आ रहा है, कहाँ आपकी कमी है। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि टेस्ट सीरीज बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है, ओके। तो आपको कोड याद रखना है GOV 50 एंड मात्र आपको 175 में ये टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड हो जाएगी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पर मध्य प्रदेश का नगरीय निकाय दिवस जो है ये किस दिन मनाया जाता है? 1 नवंबर, 2 नवंबर, 25 सितंबर या 6 अप्रैल? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 2 नवंबर को। 2 नवंबर को जो है ये मनाया जाता है, तो याद रखना है आपको। बाकी मध्य प्रदेश स्थापना दिवस जो है 1 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। 1 नवंबर 1956 को जो है वो मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। फिर उसके बाद जो है वो 1 नवंबर 2000 को आपको वर्तमान स्वरूप देखने को मिलेगा, मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप, ठीक है। क्योंकि 2000 में जो है वो छत्तीसगढ़ अलग हो गया था मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ अलग राज्य बना गया था मध्य प्रदेश से। इसमें बात की जाए तो जो 16 जिले हैं वो छत्तीसगढ़ में चले गए थे, एंड बाकी जो 45 जिले थे वो बात की जाए तो ये MP में बचे थे। टोटल जो है वो 61 थे मध्य प्रदेश में, और अलग होने के बाद जो है वो 45 ही बचे थे। अभी जो है वो 52 है, जैसे कि मैंने आपको बोला। नागदा जो है वो ये प्रस्तावित है अभी, तो वो अभी 53वां जिला बनना है, लेकिन अभी बना नहीं है। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पर किस भवन से राज्य योजना आयोग का कार्यकाल स्थित है? निर्वाचन भवन, विंध्याचल भवन, राजभवन या मिंटो हॉल?
तो ये आपको देखने को मिलेगा भोपाल में, और इसमें नाम है विंध्याचल भवन। तो राज्य योजना आयोग का जो कार्यालय स्थित है वो विंध्याचल भवन में आपको देखने को मिलेगा। ये कहाँ पर है? भोपाल में है, ठीक है, ये भी भोपाल में है, निर्वाचन भवन ये भी भोपाल में, मिंटो हॉल इसका नाम बदल के कर दिया गया है, कुशाभाऊ ठाकरे हॉल, ठीक है, नाम चेंज कर दिया गया है। तो ये करंट अफेयर्स के याद रखना, मिंटो हॉल का नाम कुशाभाऊ ठाकरे कर दिया। ये सभी आपको भोपाल में देखने को मिलते हैं। भोपाल की बात की जाए तो मैं यहाँ पर कुछ करंट अफेयर्स का आपको बताना चाहूंगा। पहली बात तो ये देश की पहली 5G स्मार्ट सिटी बनाई जाएगी, ठीक है, और यहाँ पर देश का दूसरा CNG बायो प्लांट स्थापित किया जाएगा। पहला जो है वो इंदौर में किया गया था, अब दूसरा जो है वो आपको भोपाल में देखने को मिलेगा। याद रखना, बाकी स्ट्रेटेजी के आपको पता होना चाहिए। चीनों की नगरी, राजा भोज की नगरी हो गया, वन विहार नेशनल पार्क हो गया, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जो संग्रहालय है वो भी आपको, मानव संग्रहालय ये भी आपको देखने को मिलेगा, इसे भी आपको याद रखना है, और ऐशबाग स्टेडियम हो गया, ये भी आपको भोपाल में ही देखने को मिलता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उज्जैन में निम्नलिखित में से कौन सा समारोह मनाया जाता है? कालिदास समारोह, मालवा समारोह, भोज समारोह, या इनमें से कोई नहीं। तो उज्जैन में, अगर आपने मेरी GK की वीडियो देखे हुए हैं तो उसमें मैं काफ़ी इन्फॉर्मेशन बताता हूँ, क्वेश्चन वहीं से आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये उज्जैन में मनाया जाता है कालिदास समारोह, ठीक है, उज्जैन में कालिदास समारोह जो है मनाया जाता है। कालिदास अकेडमी भी अगर आपसे पूछ लिया है कि कालिदास अकेडमी कहाँ पर है, ये आपको देखने को मिलेगी उज्जैन में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1977 में जो है स्थापना हुई थी। आपको 1979 भी लिखा मिल सकता है, ठीक है, पर व्यापम के द्वारा जो है वो इसी को आंसर सही माना गया था। MPSI में जब क्वेश्चन पूछा गया था ये, तो इसको आप टिक करना अगर आपको ये देखने को मिल जाए, ठीक है। अगर ये नहीं मिले तो आपको ये भी मिल सकती है, या फिर 1978 में मिल सकती है। तो तीनों ही तारीख याद रखना, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबली जो है आपको ये वाला आंसर लगाना है। मालवा हो गया, आपको इंदौर हो गया वहां पर देखने को मिलेगा, जो मालवा का क्षेत्र है वहां पर ही देखने को मिलता है। यहाँ पर प्रॉपरली उज्जैन का पूछा गया था, तो इसीलिए जो है वो कालिदास समारोह, बाकी मालवा उज्जैन में देखने को मिलेगा आपको, और इंदौर में भी देखने को मिलता है, तो ये थोड़ा ना फैला हुआ है। भोज समारोह जो है आपको भोपाल में देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पर ठाकुर रणवत सिंह स्टेडियम, ये कहाँ पर देखने को मिलेगा? इटारसी, रीवा, सतना और भोपाल। तो इसका आंसर हो जाएगा रीवा। रीवा में आपको ठाकुर रणवत सिंह स्टेडियम देखने को मिलता है। देखिए, मध्य प्रदेश में जो भी स्टेडियम है, मैं यहाँ पर एक बार आपको बताना चाहूंगा। पहली बात तो आपको याद रखना है रूप सिंह स्टेडियम, ये रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पर है? ग्वालियर में है, ग्वालियर में है, ठीक है। ऐशबाग ये कहाँ पर है? ये आपको देखने को मिलेगा भोपाल में, ठीक है। एंड होलकर स्टेडियम, होलकर स्टेडियम ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? इंदौर में देखने को मिलेगा, ठीक है, इंदौर में। तो ये तीन पोस्टली आपको याद रखना है। एक तात्या टोपे पूछा जाता है, तात्या टोपे स्टेडियम ये कहाँ पर है? तो ये आपको देखने को मिलेगा भोपाल में, भोपाल में। अभय खेल हो गया, तो ये आपको देखने को मिलेगा इंदौर में, अभय खेल ये इंदौर में, ठीक है, अभय खेल इंदौर में। एंड फारसी क्लब आपसे पूछ लिया जाता है, फारसी क्लब ये कहाँ पर है? तो ये आपको देखने को मिलेगा इंदौर। इन सभी को आपको याद रखना है। बाकी रीवा में बात की जाए तो सफेद शेर की भूमि कहा जाता है, सफेद शेरों की भूमि किसी को कहते हैं, सफेद शेरों की भूमि। और यहाँ पर 750 मेगावाट का जो है वो सोलर प्लांट स्थापित है, और यहाँ पर आपको चचाई जलप्रपात देखने को मिलेगा, बहुत ही जलप्रपात देखने को मिलेगा, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा है। ये बिहड़ नदी पर आपको देखने को मिलता है, और ये आपको देखने को मिलेगा सोलर नदी पर, सोलर नदी पर। तो दोनों ही याद रखना है। रीवा में एक मेला लगता है, महामृत्युंजय का मेला, ये सभी इंपोर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। कपिल धारा झरना जो है ये किस नदी पर स्थित है? नर्मदा, सोन, ताप्ती और क्षिप्रा नदी पर। तो कपिल धारा हो गया, देखिए कपिल धारा हो गया, सहस्त्र धारा हो गया, तुंगा धार हो गया, दुग्ध धारा हो गया, ठीक है, कपिल धारा, सहस्त्र धारा, दुग्ध धारा, दुंगा धार, ये सभी आपको किस नदी पर देखने को मिलेंगे? और एक और याद रखिए, दर्दी जलप्रपात, दर्दी दर्दी जलप्रपात, ये आपको सभी जो है वो नर्मदा नदी पर देखने को, नर्मदा याद रखना है।
इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? उद्गम जो है आपसे पूछ लिया जाता है, उद्गम कहाँ से है? तो अमरकंटक से, अमर कंटक से निकलती है, कंटक से। ठीक है, तो नर्मदा नामदा ऐसे ना मर्दा, ठीक है, तो ना मरेगा तो वो अमर रहेगा, तो अमरकंटक से निकलती है। 13-12 किलोमीटर इसकी लंबाई है टोटल। मध्य प्रदेश में कितनी है? 1077 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसके नाम आपसे पूछे जाते हैं तो रेवा, मैकाल, सुता, संकरी, शिव की पुत्री, ठीक है, और नामादोष, ये सभी आपको नर्मदा नदी के नाम देखने को मिलेंगे। सबसे ज्यादा सहायक नदियां इसी की हैं, 41 नदी जो है वो इसकी सहायक नदी, ठीक है, याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। शिव की पुत्री इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें नर्मदा नदी में जो पत्थर मिलते हैं वो शिव की जो पिंडी है उसकी तरह जो है वो देखने को मिलते हैं, तो शिव की पुत्री जो है वो कहा जाता है। ठीक है, याद रखना है आपको जो है वो यहाँ पर इंदिरा सागर परियोजना होगी, ओंकारेश्वर बांध हो गया, सरदार सरोवर बांध हो गया, नर्मदा नदी पर ही आपको देखने को मिलेंगे। इसको जो है वो राजकीय नदी के नाम से भी जाना जाता है, राजकीय नदी के नाम से जाना जाता है। 1961 में जो है वो ऑपरेशन नर्मदा चलाया गया था, ऑपरेशन नर्मदा जो है वो चलाया गया, तो इसे भी आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, आकार के अनुसार भौगोलिक क्षेत्र मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा बड़ा राज्य है? तो आसान सा प्रश्न है, दूसरा है, पहले नंबर पर जो है वो आपको देखने को मिलेगा राजस्थान, दूसरे नंबर पे आपको देखने को मिलेगा एमपी, और तीसरे नंबर पे आपको देखने को मिलेगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, अब सबसे स्मॉलेस्ट पूछ लिया जाए तो आपको पता होगा गोवा, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन, 9.38% जो है वो भूमि घेरता है मध्य प्रदेश। ठीक है, अगर हम भारत की क्षेत्रफल की बात करें तो उसका जो है वो 9.38% के करीबन जो है वो आपको मध्य प्रदेश देखने को मिलता है, याद रखना है, इसका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 3,08,252 के करीबन जो है वो इसका एरिया है, 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। ओके, तो ये भी आप रखना, दोनों ही चीजें याद रखना है, डेटा इम्पोर्टेंट है। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा जिला जो है आपको देखने को मिलता है छिंदवाड़ा देखने को मिलेगा, ठीक है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। ये प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को जो है वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, उनमें से कथन इसमें सत्य कौन सा है? देखिए, द्वितीय राष्ट्रपति थे, बिल्कुल सही है, पहले जो है वो राजेंद्र प्रसाद से द्वितीय जो है बने थे वो डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली बने थे, ठीक है, एंड उप राष्ट्रपति भी थे, तो प्रथम जो वाइस प्रेसिडेंट जो बने थे वो बाकी जाए तो ये भी थे, दोनों ही कथन सही है, हमारा आंसर हो जाएगा इसका बोथ। ओके, और इन्हीं के जन्म दिवस पर जो है वो 5 सितंबर को जो है वो शिक्षक दिवस बनाया जाता है। तीसरी ब्रिक्स शहरीकरण फोरम की बैठक जो है वो कब हुई थी? तो अभी ये उस समय का है आपके, देखिए ब्रिक्स, देखिए अभी जो 2022 की होनी है वो चाइना में होनी है, ठीक है, उससे पहले कहाँ हुई थी? इंडिया में हुई थी, जो यहाँ पे लिखा है, देखिए पहले इंडिया में हुई थी, उसके पहले जो है वो रशिया में हुई थी, उससे पहले बात की जाए तो आपको देखने को मिलेगा ओके, तो हम कहाँ थे? इसका इंडिया में हुई थी, ये रशिया में हुई थी, और बी से बात की तो ब्राजील, ठीक है, तो ये यहाँ पर ब्राजील में हुई थी, और उसके बाद जो है ये साउथ अफ्रीका में। तो अभी 2022 की इंडिया चाइना में, 2021 की जो है वो आपको इंडिया में, इससे पहले जो है वो इंडिया में देखने को मिली थी, और अगली जो होनी है वो साउथ अफ्रीका में। तो ये क्रम पूरा याद रखिए, जो ब्रिक्स कंट्री है ये ही है, ठीक है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये सभी को आपको याद रखना है, इन्हीं से जो है वो क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। ओके, चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अगर आपसे पूछ लिया है कि इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, 2009 में जो है इसका फॉर्मेशन हुआ, इसमें हमें जो है वो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो होती है भारत और अन्य देशों के बीच, तो ये कौन कौन सी हैं होती हैं, तो ये पूछा गया है, तो बात की जाए, देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है ज्वाइंट सी जो है वो ये आपको रूस के और चाइना के बीच देखने को मिलती है, ठीक है, पर ये आपको अभी याद नहीं रखना है आपको, देखिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, देखिए संप्रीति हो गया,
तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच याद रखना है। मित्र शक्ति भारत श्रीलंका के बीच याद रखना है, क्योंकि अभी हाल ही में श्रीलंका का जो है वो यहाँ पर बैंकक्रप्ट हो चुका है, पूरा दिवाला निकल चुका है, तो यहाँ से आपसे पूछ लिया जा सकता है। और भारत और श्रीलंका के बीच जो पाक स्ट्रेट स्थित है तो वो भी याद रखना है। मिलिट्री एक्सरसाइज मैत्री एक्सरसाइज जो है वो बात की जाए तो भारत और थाईलैंड के बीच है। वज्र प्रहार इंडिया और अमेरिका के बीच, युद्ध अभ्यास इंडिया अमेरिका के बीच, नोमाडिक एलिफेंट ये मंगोलिया के बीच, इंडिया गरुणा ये इंडोनेशिया के बीच, भारत इंडोनेशिया, शक्ति एक्सरसाइज भारत फ्रांस के बीच, धर्म गार्डियन जापान इंडिया के बीच, सूर्य ग्रहण भारत नेपाल के बीच, हैंड इन हैंड भारत चाइना के बीच, सिम्बेक्स तो सिंगापुर और इंडिया के बीच, शक्ति एक्सरसाइज भारत फ्रांस के बीच, और कॉर्पोरेट एक्स जो है वो आपको देखने को मिलेगी इंडिया और थाईलैंड के बीच। तो इन सभी को आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है यहाँ पर यू तिन क्वान के हाल ही में दौरे होती है, ये उस समय का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ये अभी याद नहीं रखना। करंट अफेयर्स से आप देख सकते हो 3 से 4 क्वेश्चन अभी तक हम देख चुके हैं। इसमें से हमने पूछा गया कि ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो यूएन यूनाइटेड नेशन की जो है वो इसमें से नहीं है, हिंदी चीन अरेबिक और बात की जाए स्पेनिश। तो देखिए मैं यहाँ पर ये 6 लैंग्वेज हैं, इन्हीं से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। 6 लैंग्वेज हैं और इन्हीं से आपसे जो है वो क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो देखिए अरेबिक हो गया, चाइनीज हो गया, इंग्लिश हो गया, फ्रेंच हो गया, रशियन हो गया और स्पेनिश हो गया, तो ये आपको देखने को मिलती है। इसका यूएन का जो है वो आपसे हेडक्वार्टर पूछा जाता है कि हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है। तो हेडक्वार्टर आपको याद रखना है न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क सिटी में आपको देखने को मिलेगा। अगर आपसे इसका फाउंडेशन पूछा जाए कि फॉर्मेशन जो है वो इसका कब देखने को मिला था, तो ये आपको देखने को मिला था 1945 में, ठीक है, ये भी याद रखना है, फॉर्म FOUND फॉर्म, ठीक है। तो ये 3-4 क्वेश्चन जो है जो वो मोस्टली जो है वो आपसे पूछ लिए जाते हैं। इसके मेंबरशिप 193 जो है वो इसके कंट्री हैं, देश हैं, तो ये भी आपसे पूछ लिया, तो याद रखना है मेंबरशिप जो कंट्री हैं इनके। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है, 2 सितंबर, 4 सितंबर, 6 सितंबर या 8 सितंबर, तो ये मनाया जाता है 2 सितंबर। नेक्स्ट योगेश्वर दत्त का जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता रहे। देखिए ओलंपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, क्योंकि अभी ही हाल ही में टोक्यो ओलंपिक हुआ था 2020 का, जो कि जापान में हुआ था, तो पैरा ओलंपिक हो गया और जो मोस्टली जो ओलंपिक हो गया, तो वहां से जितने भी खिलाड़ी हैं वो किस खेल से संबंधित है वो आपको याद रखना है। यहाँ पर फिलहाल मैं आपको बता दूँ इनका जो निधन हुआ था ये पहलवान थे, ठीक है, याद रखना है। एंड जो टोक्यो ओलंपिक हुए थे तो इसमें जो है वो पद जो है वो कितने जीते थे, और बात की जाए कौन सा संस्करण था, तो जो टोक्यो ओलंपिक था उसका 32वां संस्करण था और पैरा ओलंपिक था उसका 16वां संस्करण था। कितना, 48वां स्थान प्राप्त किया था इन्होंने जो है, 24वां स्थान प्राप्त किया था। इसमें 1, 2, 4 जो है वो गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज जो जीते गए थे, तो टोटल जो है वो कितने हो गए, 7 जो है जीते गए थे। यहाँ पर बात की जाए तो ये आपको देखने को मिलेंगे 5, 8, 5, 6 करके जो है, अभी मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा है, तो इसे आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें टोटल जो है वो 19 पदक जीते थे दरअसल, तो 19 टोटल याद रखना है, बाकी यहाँ पर आप एक बार चेक कर लेना, मुझे अभी बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा है, ठीक है। नीरज चोपड़ा ने जो है यहाँ पर जो है वो गोल्ड जीता था, तो याद रखना है। इसमें जो है वो अवनी लखेरा है, तो इनका नाम याद रखना है, ठीक है। तो इन्होंने जो है वो अभी पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है, ठीक है, तो इन्हें भी याद रखना है। और बाकी जो है वो खेल रत्न जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न है, तो ये 12 खिलाड़ियों को दिया गया था, ठीक है। तो उसके जो खिलाड़ी हैं उनके नाम भी आपको याद रखना है, वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं। उसकी 25 लाख राशि कर दी गई है, पहले 7.5 लाख थी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्न में से सेविंग कैपिटलिज्म फ्रॉम द कैपिटलिस्ट का सह लेखक कौन है, तो ये जो है वो मध्य प्रदेश में ही इनका जन्म हुआ था, आरबीआई के गवर्नर भी रहे, ये हैं रघुराम राजन, रघुराम राजन, ठीक है, ये आरबीआई के गवर्नर रहे। और ये कहाँ पर जन्म हुआ था इनका, भोपाल में, ठीक है, भोपाल जो है जो इनका जन्म हुआ था, तो ये इम्पोर्टेंट है यार। तो ये थे दोस्तों प्रश्न, एंड यहाँ से आप समझ सकते हो कि जो ये करीबन 16 क्वेश्चन है, ठीक है, तो 16 क्वेश्चन में से आप मान के चलिए कि 4 से 5 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स के देखने को मिलते हैं, बाकी जो है वो आपको एमपीजी के देखने को मिलती है। तो एमपीजी के स्टैटिक ज़्यादातर देखने को मिलेगी, तो वो आपको अच्छे से पढ़ना है। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आप GOV50 कोड यूज़ करना है अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो, लिंक आपको ऐप की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके जो है वो इसकी टेस्ट सीरीज ले सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।